अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं पासू कोन्स के पास और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो नोट की है, तो मुझे लगा मुझे उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पे तीन बिन्स मौजूद हैं, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। सबसे पहले ग्रीन की तरफ चलते हैं। ग्रीन के अंदर आपकी जो भी वेजिटेबल्स हैं, डीकम्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल्स हैं, वो इसके अंदर थ्रो किए जाएंगे। यानी बेसिकली इन तीन बास्केट्स का जो पर्पज़ है, आप अपना जो जो भी कचरा है उसको एक ही बिन में अगर डालते हैं तो फिर बाद में उसकी सॉर्टिंग करनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। आप अगर प्लास्टिक को, बायोडिग्रेडेबल्स को और जनरल ट्रैश को अगर आप एक ही जगह पे फेंक देते हैं तो जो प्लास्टिक है जो कि डिकम्पोज नहीं होता, वो सालों तक जो है वो ट्रैश इकट्ठा होता जाता है। जबकि आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक येलो बिन रखी गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिसाइकल। दिखा सकूं तो आपको एक बॉटल नज़र आ रही होगी और कुछ प्लास्टिक के रैपर्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये चीज़ रिसाइकल हो सकती है, ठीक है। और आप इससे इसको फर्दर एक तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो क्लीन रह सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक जनरल ट्रैश के लिए जो है वो बिन मौजूद है। तो ये तीन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ये चीज़ ही चलती है, जो कि इधर हुंजा पासू के पास जो है इन्होंने ये बिन्स यूज़ की हुई हैं। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इस तरीके से जो है चीज़ होती है और ये चीज़ें हमें अपने टाउन्स में और अपने सिटीज़ के अंदर भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।